जिसके लिए मैंने खुद से मेकअप करके मैं घर से निकल पड़ी हूँ एंड शूट लोकेशन बहुत दूर था, टाइम लगा पहुँचने में. नाउ आई हैव रीच्ड और ये मेरा फर्स्ट आउटफिट था एंड दिस इज़ हाउ आई लुक. उसके बाद हम लोग चल पड़े शूट लोकेशन की तरफ. सो ये एक बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल प्लेस था, बहुत ही पीसफुल था. सो दिस इज़ द लोकेशन और ये पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है एंड ये हमारे टीम के लोग हैं. दे आर यू नो प्लानिंग फॉर हाउ टू शूट. सो या एंड बहुत ही अमेजिंग जगह थी. सो दिस इज़ आर टीम, बहुत ही अमेजिंग और प्यारे लोग हैं ये. एंड या दिस इज़ द शूट लोकेशन और ये एक मंदिर था एंड जिस टाइम पर हम गए थे वहाँ उस टाइम पे कोई ज़्यादा लोग थे नहीं एंड बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट था. सो दिस इज़ हाउ दिस प्लेस लुक्स, बहुत ही प्यारा और अच्छी जगह है शूट के लिए. सो दिस इज़ आर फर्स्ट शूट. तो यहाँ पर हम एक एंकलेट, जैसे कि मैंने बताया ज्वेलरी ब्रांड का शूट था, तो एंकलेट का यहाँ पर शूट हो रहा है. एंड या दिस इज़ हाउ वी शूट और कैसे अलग अलग जगह पर. यहाँ पर अभी हमने कार में ये शूट किया है और कुछ बाहर की जगहों पर शूट किया है. नाउ लिसन टू दिस साउंड. इतना पीसफुल साउंड था ना ये. नाउ ये मेरा सेकेंड लुक है और यहाँ पर अब हम एक नेकलेस का शूट करने वाले हैं. सो कुछ शूट्स के बाद मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाई एंड देन मेरा पैकअप हो गया एंड आई गेट बैक टू होम. और ये था सेकेंड डे एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल, बट शूट था तो जाना ही पड़ेगा. शूट लोकेशन देख कर आपको समझ में थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा, आई थिंक गेस करिए कि कहाँ पर हूँ मैं. या जनक का शूट था. सो यस, अभी मैं झिमली के अवतार में रेडी हो चुकी हूँ एंड ये है हमारी ईशा हु इज़ प्लेइंग काजोल एंड हमारे हेयर आर्टिस्ट जो हमारे बालों को अच्छा अच्छा बना के हमें सुंदर सुंदर स्क्रीन पर दिखाते हैं. सो या अब हम चले गए हैं ये जनक के सेट पर. ये बहुत ही अच्छा और डेकोरेट हो रखा था. आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि दिवाली चल रहा है. और ये था हमारा सीन बॉस्टी का. सो या आई होप यू लाइक दिस छोटू सा व्लॉग. सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.